गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फर्स्ट। चैप्टर है आपका सिक्स, फूड एंड वाटर। तो बच्चों इसकी रीडिंग करवाने जा रहे हैं, ध्यान से आपको रीडिंग करनी है। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, यूबीएस की पेज नंबर जाइए 33 पर। ओके, तो देखिए फूड एंड वाटर। फूड की स्पेलिंग सभी को आती है, पहले भी करवा चुके हैं। फूड एंड वाटर, भोजन और पानी। ओके, फूड मीन्स भोजन, एंड मीन्स और, वाटर मीन्स पानी। फूड एंड वाटर, देखिए बच्चों। गुड आफ्टरनून मिक्की, ये आपस में बात कर रहे हैं। मिक्की गुड आफ्टरनून, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रही हो। आई ऑलवेज सी यू ईटिंग जंक फूड, इट इज सो अनहेल्दी। मैंने देखा तुम खाने में जंक फूड खा रही हो, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अस्वस्थ, अनहेल्दी होता है। यू शुड ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इफ यू वेंट टू स्टे हेल्दी। तुम्हें क्या खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल एंड वेजिटेबल और सब्जी, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। गुड आफ्टरनून मिनी, आई एम हैविंग बर्गर विद अ कोल्ड ड्रिंक्स। देखिए मिनी को कर रहा है गुड आफ्टरनून, मैं बर्गर के साथ पेय जल भी ले रहा हूँ, पेय पदार्थ। व्हाट शुड आई ईट देन, क्या खाना चाहिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है टिक द फूड आइटम्स दैट आर हेल्दी एंड पुट अक्रॉस, गलत का क्रॉस दिया गया ना, द जंक फूड। इसमें क्या कहा गया है कि जो हेल्दी है उसमें आप सही का टिक लगाइए, और जो अनहेल्दी है उस पे आप क्रॉस का टिक लगाइए। देखिए बच्चों, ये हेल्दी है तो अपन टिक लगाएंगे राइट का, ये अनहेल्दी है, चाउमीन है ना, तो क्रॉस का, ये हमारा हेल्दी है। और ये क्या है, चिप्स, ये भी हेल्दी होता है। मिल्क पे ओके। अब पेज नंबर पलटिए बच्चों, पेज नंबर चलिए 34, पेज नंबर 34। फूड, वी ऑल नीड फूड टू लिव, कि खाना क्यों जरूरी होता है। इट हेल्प अस टू ग्रो, खाने की मदद से हम बढ़ते हैं। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, और खाने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम काम करते हैं और खेलते हैं। अलोंग विद हेल्दी फूड, और इसके अलावा, इसके साथ साथ, फूड के साथ साथ, वी मस्ट ड्रिंक अ लोट ऑफ वाटर टू, भोजन के साथ साथ, फूड के साथ साथ हमें पानी पीना भी जरूरी होता है। मील्स इन आ डे, एक दिन में भोजन होता है। इन आ डे वी टेक थ्री मेन मील्स, एक दिन में कितनी कितनी बार भोजन करते हैं, थ्री बार। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता होता है, लंच दोपहर का नाश्ता, डिनर रात का खाना। देखिए ब्रेकफास्ट में हम हल्का भोजन लेते हैं। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो ब्रेकफास्ट होता है वो दिन का पहला खाना होता है। वी हैव ए ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट सुबह सुबह लेते हैं। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, ये महत्वपूर्ण दिन का होता है। लंच, वी हैव लंच इन द आफ्टरनून,
दोपहर के समय में हम लंच लेते हैं, इट इज स्लाइटली हैवियर देन द ब्रेकफास्ट, ये थोड़ा ब्रेकफास्ट से, ब्रेकफास्ट यानी सुबह के नाश्ते की तुलना से भारी होता है लंच जो होता है। नेक्स्ट देखिए डिनर, डिनर क्या होता है, डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे। जो डिनर होता है रात के समय खाना खाते हैं ना हम, वो डिनर होता है जो दिन में लास्ट का डे होता है। वी हैव इट एट नाइट, रात के समय लेते हैं ये डिनर। वी मस्ट हैव डिनर एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड। हमें डिनर लेना चाहिए 2 आवर्स, सोने के 2 घंटे पहले। ओके चलिए नेक्स्ट है फूड्स दैट वी ईट। देखिए फूड्स दैट वी ईट कम्स फ्रॉम 2 शोर्स। आप देखिए फूड हमें जो खाना है मिलता है किससे मिलता है, प्लांट से और एनिमल से, पौधों से और जानवरों से। ठीक है, पौधों और जानवरों से मिलता है। देखिए प्लांट्स, प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स वेजिटेबल्स केयरलेस पल्सेस नट्स एंड स्पाइसेस। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अ फिट एंड हेल्दी। जो पौधों से हमें प्राप्त होते हैं फ्रूट, फल, सब्जी, दाल है ना, नट्स, स्पाइस और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होता है और हम फिट रहते हैं। तो देखिए बच्चों ये पिक्चर बनी हुई है ना, फ्रूट, वेजिटेबल, अनाज, दाल, नट्स, अखरोट। अब देखिए एनिमल्स से, एनिमल्स गिव अस मिल्क, एग, मीट एंड हनी। एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क, एग, मीट, हनी। ओके देखिए प्रिपेयर अमीनो ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू ईट फॉर। ये बच्चों आपको खुद को लिखना है, ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या लेते हो, क्या क्या पसंद करते हो, लंच में क्या लेते हो, डिनर में क्या लेते हो, ये आपको खुद को भरना है। वाटर इज अवर लाइफ लाइन। जीवित रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है, जस्ट लाइक फूड, खाना खाने के बाद पानी चाहिए ना। वाटर इज नीडेड बाई ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वे। जीवित रहने के लिए हमें पानी जरूरी होता है। निकालिए बच्चों पेज नंबर 36। वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड एज इट हेल्प टू डिजेस्ट द फूड। देखिए जिस प्रकार खाना जरूरी होता है उसी प्रकार पानी भी बहुत जरूरी होता है, अत्यावश्यक, एसेंशियल, बहुत जरूरी होता है। इसकी हेल्प से ही हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होता है। इट रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी में वेस्ट जो कुछ होता है वो रिमूव होता है पानी से। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 7-8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें डेली पीना चाहिए 7 से 8 गिलास पानी के। ओके बच्चों तो देखिए ये लर्निंग पॉइंट होता है, जो पाठ का निचोड़ होता है इसी में होता है। फूड गिव अस एनर्जी। भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इट हेल्प अस ग्रो एंड स्टे हेल्दी। इसकी मदद से हम बढ़ते हैं और स्वस्थ रहते हैं। वी हैव 3 मील्स इन ए डे। एक दिन में 3 मील्स होते हैं। वी मस्ट ड्रिंक अ लोट ऑफ वाटर। पानी बहुत जरूरी होता है। ओके बच्चों।
और ये चैप्टर देखिए, क्वेश्चन ए है पुट आर्टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. वी गेट दिस फ्रॉम एनिमल्स. मैंने आज ब्लैक बोर्ड पे भी करवाया है आपको. एनिमल से हमें क्या मिलता है बच्चों, ए पर टिक लगाइए, मिल्क, मिल्क पे टिक लगाइए. वी गेट दिस फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से हमें क्या मिलता है देखिए बच्चों, शायद मिलेगा नहीं. एनिमल से मिलता है तो सी पर टिक लगाइए, सी पर टिक लगाइए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. ओके, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. नेक्स्ट देखिए, वी हैव दिस मील इन द आफ्टरनून. तो आफ्टरनून में हम क्या क्या लेते हैं भोजन में, वो लिखिए. बी पर टिक लगाइए, सभी बच्चे बी पर टिक लगाएंगे. मैच द फॉलोइंग. देखिए कॉलम ए कॉलम बी, मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे भी करवा चुकी हूँ आपको. जो गाय है ये काऊ हमें क्या देती है, मिल्क. सी पर जाइए. नेक्स्ट है फ्रूट्स वेजिटेबल किससे मिलते हैं, प्लांट से. ई पर जाइए. नेक्स्ट है पिज़्ज़ा और ये बर्गर क्या हैं, जंक फूड. देखिए फोर नंबर पे ये जो नाश्ते में दिया गया खाना ये कौन सा होता है, फर्स्ट मील ऑफ द डे. नेक्स्ट है ये फाइव नंबर वाला, रिमूव द वेस्ट. ओके बच्चों,